तो सैमसंग के एम सीरीज के एक मिड प्रीमियम सेगमेंट के स्मार्टफोन को एंड्रॉयड 13 और साथ में वन यू आई 5.0 का अपडेट मिल गया है। मैं बात कर रहा हूँ सैमसंग के M52 के बारे में। तो जो लोग सैमसंग के M52 5G को इस्तेमाल करते हैं, जो कि 2022 के अंदर सैमसंग ने लॉन्च किया था और अभी तक काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल वो स्मार्टफोन है भी, क्योंकि अगर आप लोग कंपेयर करते हैं तो सैमसंग गैलेक्सी M52 5G वन ऑफ द स्लिमेस्ट स्मार्टफोन है। सैमसंग का ही नहीं बल्कि उस प्राइस सेगमेंट में जितने भी स्मार्टफोन हैं उन सभी में सबसे ज़्यादा जो स्लिम है वो है सैमसंग का M52 5G। सैमसंग गैलेक्सी M52 5G आज के टाइम में भी लोग बहुत ज़्यादा परचेस करते हैं और परचेस करना सही भी है, क्योंकि आप लोगों को 23-24 हज़ार रुपीस में क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 778G का प्रोसेसर, साथ में कैमरा इतना अच्छा मिल जा रहा है, साथ में आप लोगों को डिस्प्ले 6.67 इंचेस का 1080p सुपर एमोलेड डिस्प्ले, जो कि सैमसंग का सुपर एमोलेड प्लस डिस्प्ले है 120Hz का रिफ्रेश रेट के साथ, सभी कुछ इस स्मार्टफोन में परफेक्ट है। बस एक चीज़ को जो कि मुझे ख़राब लगता है, एटलीस्ट 20 हज़ार के ऊपर के स्मार्टफोन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का स्कैनर होना चाहिए, जबकि आप लोगों को M52 5G में और यहाँ तक कि जो M53 भी आया है इसमें भी आप लोगों को साइड माउंटेन फिंगरप्रिंट का स्कैनर मिलता है, तो जो कि मेरे ख्याल से एटलीस्ट 20 हज़ार के ऊपर के स्मार्टफोन में सैमसंग को नहीं देना चाहिए, इन डिस्प्ले देना चाहिए, क्योंकि डिस्प्ले इतना ज़बरदस्त दिया है तो एटलीस्ट फिंगरप्रिंट इन डिस्प्ले कर देते तो ज़्यादा बेहतर रहता। तो इस स्मार्टफोन में ऑफिशियली स्टेबल एंड्रॉयड 13 का अपडेट सैमसंग ने यहाँ पर रोल आउट करना स्टार्ट कर दिया है। तो जो लोग सैमसंग गैलेक्सी M52 5G को इस्तेमाल करते हैं वो लोग अपने फ़ोन के सेटिंग में जाके इस अपडेट को चेकआउट कर सकते हैं, और जब भी आप नए मेजर अपडेट्स में अपडेट करेंगे मेक श्योर कीजिएगा कि आपका जो बैटरी परसेंटेज है वो 50% से ऊपर ही रहे, ताकि फ़ोन बीच में स्विच ऑफ ना हो जाए। और ये जो मेजर अपडेट है इसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट हुआ, बहुत सारे नए फीचर्स तो मिलेगा ही, क्योंकि सैमसंग का वन ई वाई इतना ज़्यादा ऑप्टिमाइज है, उसके बाद एंड्रॉयड 13 में इतने सारे फीचर्स दे रहा है गूगल, तो मेरे ख्याल से कमाल का एक्सपीरियंस रहने वाला है जो लोग सैमसंग के M52 5G को इस्तेमाल करते हैं उनके लिए। तो अगर आप M52 5G इस्तेमाल करते हैं और आपके फ़ोन में ये अपडेट आया है तो प्लीज़ हमारे साथ भी ये बातें शेयर कीजिएगा, जो भी नया फीचर्स है, जो भी बग्स हो रहा होगा, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए मुझे वहाँ से इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिए और वहाँ भी आप मुझसे जो भी प्रॉब्लम या फिर जो भी नया फीचर्स आया है उसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे ज़रूर सेंड कीजिएगा, ताकि मैं आने वाले वीडियोज़ में फ्यूचर के वीडियोस में मैं उसे ऐड कर पाऊँ। तो ये आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, ज़रूर कीजिएगा। तो जो लोग यूज़ करते हैं M52 उनके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ तो है, लेकिन एक बैड न्यूज़ ये है कि ये उनके लिए लास्ट मेजर अपडेट है, इसके बाद सैमसंग M52 5G में कोई भी मेजर अपडेट प्रोवाइड नहीं करेगा, तो ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।